हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनी स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल या वीडियो फोकस में। प्यारे दोस्तों, अभी अभी NHM की तरफ से 568 पदों पर जो है नोटिफिकेशन निकाली गई है स्टाफ नर्स के लिए और डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर की यहां पे वैकेंसी निकाली गई है। बिल्कुल दोस्तों, आप इसे नोटिफिकेशन है, ऑल इंडिया भर्ती है, इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही योग्यता, सिलेबस, फीस, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो कृपया करके पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। 568 पदों पर आप लोग जो है 30 जून 2020 तक अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन क्या होने वाला है, कैसे अप्लाई करना है, इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं आप इसलिए नोटिफिकेशन पर। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए। यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर की वैकेंसी 7 वैकेंसी, 19,000 रुपये सैलरी मिलेगी। स्टाफ नर्स के लिए 561 वैकेंसी, 18,000 रुपये जो है सैलरी मिलेगी। 561 वैकेंसी जो है स्टाफ नर्स के लिए रखी गई है, जिसमें BSc नर्सिंग GNM वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही असम से यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, असम नर्सेज मिडवाइज एंड हेल्थ विजिटर्स काउंसिल से जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये ज़रूरी है, असम नर्सिंग से जो है यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप लोग स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर भी BCA, BSc IT, BA IT, BSc कंप्यूटर साइंस और जिनके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर में, वे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर के लिए यहाँ पे 7 पदों पर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो ऑफिस ऑफ द मिशन ऑफ डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन असम से नोटिफिकेशन निकाली गई है। गुवाहाटी इसका जॉब लोकेशन होने वाला है, जॉब लोकेशन जो होगा गुवाहाटी होगा और पिन कोड यहाँ पे 781005 ये पिन कोड है। और एक गुवाहाटी से वैकेंसी निकाली गई है 568 पदों पर। 30 जून 2020 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म बिल्कुल फ्री है। और यहाँ पे जो है इसका ऑफिशियली वेबसाइट है और अधिकतम 43 इयर्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, अधिकतम 43 इयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो। BSc और GNM दोनों लोग यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। असम से याद रखिए, असम से यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, साथ ही मान्यता होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर देख सकते हो कि आप इसलिए वेबसाइट दी गई है, तो कैसे अप्लाई करना है, तो इस पर जब क्लिक करोगे तो अप्लाई कर सकते हो। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके आप लोग क्लिक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस पर आप लोग जो है कॉपी करके गूगल पर जाके सर्च भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।